दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखी, इस तरीके की वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी हुई देखी होंगी जो नाम है, एक नाम जंगल में लिखा हुआ है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि इस तरीके की वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस तरीके की वीडियो और इस तरीके के फ़ोटो कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने से पहले हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पिकसार्ट। आपने इस एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पिकसार्ट पर जाना है। पिकसार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे एक प्लस का आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करना है। एडिट ए फोटो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। ठीक, लेने के बाद अब यहाँ पर आपको आना है, नीचे स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टिकर के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर सर्च करना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर फॉरेस्ट के फ़ोटो आ जाएंगे। कोई भी फ़ोटो आपको एक जो है चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसे मैं इस फ़ोटो पर सेट करूँगा अपने हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर ये फ़ोटो पूरा सेट हो गया है। अब यहाँ से टेक्स्ट के बटन पर जाना है। टेक्स्ट के बटन पर जाने के बाद जैसे कि आप किसी का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम या फिर किसी का भी नाम, ठीक है, तो आपको क्या, जैसे मैं अपने मोहसिन नाम की बनाऊंगा या फिर सब्सक्राइब नाम की बनाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ओ यू यूट्यूब। ठीक, अब यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे जो है मिनिमाइज़ कर देना है, हटा देना है। अब हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है अर्बन जंगल फॉन्ट। अर्बन जंगल फॉन्ट सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट नंबर पर जो फॉन्ट मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद सीधा आपको अपनी फाइल मैनेजर में चले जाना है। यहाँ से आपने जो भी फाइल डाउनलोड की थी, जैसे कि अर्बन जंगल फाइल है, यहाँ पर आ गई है, जिप जो है उसमें जिप फाइल में मिली है हमें। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है इसे, एक्सट्रैक्ट सेम फोल्डर में, जैसे मैं इस फोल्डर में सेल जो है एक्सट्रैक्ट लेता हूँ। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें पिकसार्ट में दोबारा से जाना है, इस जो मैंने लिखा है इसका कलर वाइट करना है। वाइट करने के बाद फिर से फॉन्ट पे आना है, यहाँ पर ये एरो ऊपर वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। माई फॉन्ट पर जाना है, यहाँ से ऐड फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। ऐड फॉन्ट यहाँ पर क्लिक करना है। अब उसके बाद उस फॉन्ट पर चले जाना है, उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो आपने एक्सट्रैक्ट की थी। तो मैंने ये वाली एक्सट्रैक्ट की फाइल, तो जो है मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये फॉन्ट आ चुका है, इस पर मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से, इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके का जो है फॉन्ट लिखकर आ गया है, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। इसे सेव करते हैं, फिर से सेव करते हैं, यहाँ पर सेव कर लिया है। ठीक दोस्तों, अब गैलरी में जाकर देखते हैं कि ये फ़ोटो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है बढ़िया क्वालिटी में। अब आपको इस फ़ोटो की वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, उस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BN एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर BN एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पहले से तैयार करके रखा था, आपको भी प्रोजेक्ट बना लेना है। ठीक, और यहाँ से म्यूजिक वगैरह सब आपको अपने हिसाब से ही सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि ये फ़ोटो है, यहाँ से मैं इस फ़ोटो को हटाकर अपने उस फ़ोटो को लगा देता हूँ यूट्यूब वाले को, और यहाँ से फिर से मैं
इसे हटाकर यूट्यूब वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये कितना बढ़िया तरीके से ये इफ़ेक्ट आएगा। देख पा रहे हैं, अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर सेव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अब वीडियो आपको चलाकर दिखाता हूँ। वीडियो का ऑडियो जो है वो मैंने म्यूट कर रखा है, कॉपीराइट का इशू हो सकता है इसलिए। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने वीडियो बिल्कुल कंप्लीट है, रेडी है।